असलम फ्रेंड्स डेरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहते हैं कैसे हैं आप सब ठीक हैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजलोक्रम से आप ठीक ठाक होंगे आज की इस वीडियो में आपको जानवरों को मेथी दाना खिलाने के ज़बरदस्त फ़वाद बताए जाएंगे और इसका दुरुस्त इस्तेमाल और कौन से जानवरों को किस मकदार में देना चाहिए ये तमाम मालूम भी दी जाएंगी और किन जानवरों को नहीं देना चाहिए इसके बारे में भी बताया जाएगा इसलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर बात की अच्छी तरह समझ आ सके लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ मेथी दाना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जो इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अपने अंदर लाता फ़वाद रखती है ये हमारे खानों में भी इस्तेमाल होता है और तकरीबन हर घर के किचन में इसका होना लाजमी बात है लेकिन अक्सर लोगों को इसके हैरत अंगेज़ फ़वाद का इलम नहीं होता मेथी दाना में विटामिन ए बी सी और इसके अलावा कैल्शियम और फास्फोरस वाफर मकदार में पाए जाते हैं मेथी दाना गर्म तसीर का हामिल होता है अब आते हैं कि डेयरी फार्मिंग में मेथी दाना की क्या अहमियत है और दूध देने वाले जानवरों के लिए कितना मुफीद होता है ताज़ा सूए जानवर को बच्चा देने के सात से दस दिन बाद मेथी दाना देने से इसकी गर्म तासीर की वजह से जानवर मैला भी खूब फेंकता है जबकि इसके अंदर मौजूद विटामिन कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से जल दूध पर आ जाता है और दूध भी ज़्यादा देता है गाय भैंस को उसके पीक लेवल तक लेकर जाने में मेथी दाना बहुत अहम किरदार अदा करता है इसलिए ताज़ा सुई गाय या भैंस को बच्चा देने के सात दिन बाद पचास ग्राम मेथी दाना सुबह और पचास ग्राम शाम को पानी में उबाल कर ठंडा करके दें इससे वो दूध भी अच्छा देगी और उसके दूध में फैट का लेवल भी बढ़ेगा इसके अलावा अगर कोई जानवर हीट में नहीं आ रहा तो उसे भी मेथी दाना देना चाहिए इससे वो जल्द ही हीट में आ जाएगी इसका तरीका ये है कि 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम शाम को पानी में उबाल कर ठंडा करके दें और सिर्फ पाँच दिन देना है इन जानवर हीट में आ जाएगा मेथी दाना गर्मतासी रखता है इसलिए सर्दियों में जिस जानवर को ठंड लग जाए और उसे नज़ले की शिकायत हो जाए तो उसे मेथी दाना पानी में उबाल कर ठंडा करके देने से जानवर तंदुरुस्त भी हो जाएगा और सर्दी की शिद्दत से महफूज भी रहेगा मेथी दाना आंतों के लिए बहुत मुफीद होता है इससे जानवर का मैदा दुरुस्त रहता है और वो चारा अच्छे तरीके से हज़म करता है और इससे जानवरों को कब्ज़ की शिकायत भी नहीं होती मेथी दाना जानवर के जिस्म के किसी भी हिस्से मसलन टांगों घुटनों और हवानों पर होने वाली सोजिश को कम करता है और वाईबादी की शिकायत को भी दूर करता है इसके अलावा ये जिस्म से फासद मादों को खारिज करता है और जानवर में कुत मुदाफ़त को बढ़ाता है जिससे जानवर बहुत सी बीमारियों से महफूज रहते हैं अब आपको मेथी दाना की कुछ एहतियाती तदाबीर बताऊँगा ताकि आप इन पर अमल करके किसी भी तरह के नुकसान से बच सकें और सिर्फ उसके फ़ायदे ही हासिल करें मेथी दाना गर्म तसी रखता है इसके लिए गर्मियों के मौसम में जानवरों को नहीं देना चाहिए इससे जानवर गर्मी महसूस कर सकते हैं इसके अलावा गबन जानवर को भी नहीं देना चाहिए क्योंकि गर्म तासीर की वजह से गब्बन जानवर को उससे मसाइल हो सकते हैं इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है तो ये थी हमारी आज की वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज